ये ऐसा कुछ नज़ारा है अभी सोनप्रयाग का, और आगे बढ़ते हैं फिर मैं आगे दिखाता हूँ आपको क्या कुछ अभी इंतजाम कर रखे हैं, जाने दे रहे हैं या नहीं जाने दे रहे हैं। ऐसा कुछ नज़ारा है ट्रैक का, और अभी भीड़ जा चुकी है वैसे बहुत आगे। यहाँ पर अंदर आते ही आपको गौरी माता का मंदिर दिखाई देगा, आप देखिए। और जो डोली है बाबा की ऊपर जा चुकी है, और हम थोड़ा सा लेट हैं, 2 बज चुके हैं तो हम लेट हैं और डोली पर पहुँच चुके हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं। ये है गौरी कुंड में जो गर्म पानी का कुंड है, यहाँ पर लोग नहाकर ऊपर केदारनाथ ट्रैक के लिए निकलते हैं। गौरी कुंड में जब केदारनाथ ट्रैक की तरफ चलते हैं तो ये चौकी आती है सबसे पहले, और इस चौकी पे आपका रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उनको वापस भेज रहे हैं। तो प्लीज़ आप अपना रजिस्ट्रेशन करके आएँ जब भी आ रहे हैं, यहाँ आपको वापस भेज दिया जाएगा। फिलहाल मैं पहुँचा हूँ घोड़ा पड़ाव से जस्ट आगे, आप देख रहे हैं प्रीपेड काउंटर घोड़ा पड़ाव, और ये है आपकी जो रेट लिस्ट है नई 2023 की, रेट लिस्ट आप देख सकते हो, इसके अनुसार ही आपको मतलब रेट देना है, ज़्यादा आपको नहीं देना। चाहे घोड़े वाले खतरे वाले आपको कितने रेट बोले, उनको बोलना कि हम तो सिर्फ सरकारी रेट ही देंगे। और आप मेरे पीछे देख पा रहे हो जो मेन गेट है जो नया बना है, तो यहाँ से अभी एंट्री हो रही है। जो पुलिस की चेकिंग है वो यहाँ पर नहीं होती है, वो नीचे सोनप्रयाग में ही होती है, यहाँ पे कोई चेकिंग की सुविधा ऐसे है नहीं। तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आप पास वगैरह चेक होगा नीचे ही होगा, आप गेट से आगे बढ़ते हैं। हम कर रहे हैं अपने गेट को क्रॉस, और अभी शॉप्स धीरे धीरे ओपन हो रही हैं क्योंकि आज फर्स्ट डे है, तो लोगों ने अपना टेंट वगैरह लगा लिया है। बस नीचे से सामान आ रहा है, किरियाना का सामान जो भी शॉप पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी चीज खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो सारी आ रही हैं, और कुछ और भी काम यहाँ पे प्रोग्रेस में दिख रहे हैं, शायद गर्म पानी के लिए, अच्छा पशु के पीने के लिए चीज़ें धीरे धीरे तैयारी यहाँ पर हो रही है। बाकी आगे बढ़ के आपको जो भी रास्ते में चीज़ें होंगी सब दिखाई जाएंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और इस ट्रैक पे जो जो कुछ चीज़ें आपको नई दिखाई देंगी या फिर कुछ भी परेशानी या कुछ गुड न्यूज़ सब आपको इसमें देखने को मिलती रहेगी, बने रहे। ऐसा कुछ नज़ारा यहाँ पर देख पा रहे हो, पानी नदी में कम है वैसे तो पहले एक बोर्डिंग, पर ठीक है। जगह जगह पर कुछ नए साइन जो हैं आपको देखने को मिलेंगे, यात्रियों के लिए जो हेल्थ की एडवाइजरी है वो इसमें लिखी गई है, और आप देख पा रहे हो खच्चर यहाँ पर अपना काम अपना मोर्चा संभाल चुके हैं, और हम भी अपना मोर्चा संभालते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बोलो जय केदार। और आप देख पा रहे हो ट्रैफिक यहाँ पे रेड लाइट हो चुकी है, हमें रुकना पड़ रहा है, और ये स्ट्रेच जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो ये बन रहे हैं, इसलिए थोड़ी तंगी आपको आ सकती है। इस बार आपको ट्रैक पे एक गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पे नया जो टॉयलेट है बाथरूम है वो बना दिए हैं, और लोगों की सुविधा को देखते हुए, पिछली बार बहुत ही मतलब पुराने थे और उसमें सफाई वगैरह भी इतनी अच्छी नहीं थी। यात्रा का पहला पड़ाव चिरबासा, यहाँ पर जो फर्स्ट एड है वो सुविधा है, और वहाँ पे आपको मंदिर भी दिख रहा होगा शायद। ये है यात्रा का पहला पड़ाव और चिरबासा, और यहाँ पर है भैरव जी का मंदिर, और यहाँ पर कुछ शॉप भी है। और इससे आगे जो मेडिकल की व्यवस्था थोड़ी सी आगे चल के वहाँ पर बनी हुई है चिरबासे में। और ये आता है ट्रैक का सबसे पहला और सबसे छोटा सा वाटरफॉल, बहुत कम है यहाँ पर अभी जो वाटरफॉल धारा है, क्योंकि शायद ऊपर पानी की कमी होगी इसी वजह से, नीचे नदी में भी बहाव कम है। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ जंगल चट्टी,
और यहाँ पर बहुत सारे शॉप ओपन हो चुकी हैं पहले ही दिन। और ये जो आप देख रहे हो सामने, ये बारिश से बचने के लिए शेड जगह जगह पर बने हुए हैं इस टाइप के। शाम ढलते हुए कुछ ऐसा नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ऊपर बर्फ़ पड़ी है, मैं दिखाता हूँ आपको ऊपर जाके। यहाँ से रह गया है केदारनाथ 11 किलोमीटर और भीमबली 1 किलोमीटर, मतलब हम भीमबली से 1 किलोमीटर पीछे हैं। और जो 11 किलोमीटर है एक्चुअल लगभग 15 किलोमीटर 17 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, पर फिर भी हम चल रहे हैं बी पॉजिटिव। ये यात्रा के दौरान बीच में कुछ ऐसा व्यू आता है। और यहाँ पर पानी जो रोड क्रॉस करने के लिए ऐसा बंदोबस्त बना रखा है ताकि रोड भी ना टूटे और पानी भी नीचे चला जाए। और शाम हो चुकी है, ये सोच लो कि लाइटें भी जला दी हैं और लगभग 5:30 हो चुके हैं। तो जब आप ट्रैक पे आते हो तो आपको हल्के कपड़े पहनने, ट्रैक सूट, टी शर्ट और समथिंग थोड़ा हैवी सर्दी के लिए, या तो रेन जैकेट टाइप कुछ ले लो या फिर ऐसी कुछ जैकेट नॉर्मल ले लो। और ये जैसे टी शर्ट और ये ऐसे जैसे लोअर ट्रैक पैंट बोलते हैं इसको, यही पहनना चाहिए। जींस वींस आप अवॉइड करें तो ये ठीक रहेगा, नहीं तो सारे रास्ते तंग हो जाओगे आप। बताओ कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। राजमा क्या है? दाल चावल। दाल चावल कैसा लगा? वाह, थैंक्स टू आंटी। अरे वाह, आंटी के हाथों का। तो पहले की तरह ही भीमबली में जो मेडिकल पोस्ट बनाई है, यहाँ पे इमरजेंसी होती तो यहाँ पर सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगी। सारी सुविधाएं इतनी बेसिक सुविधाएं आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं रामबाड़ा में, और ये पुल आपने देखा होगा मैक्सिमम वीडियो में, ब्लॉग्स में। यहाँ कुछ ऐसा नज़ारा है, कल कल करती नदियाँ और ये मौसम, और आप ऊपर देख पा रहे हो ये बर्फ है। पूरा स्नो है ऊपर मंदिर के पास, मज़ा आएगा। जैसे ही आप रामबाड़ा से ऊपर आओगे तो रामबाड़ा से पीछे का एरिया ठीक है ट्रैक में, मतलब समतल है और आप आसानी से ट्रैक कर सकते हो। लेकिन जैसे ही रामबाड़े का पुल क्रॉस किया आपने तो यहाँ से एक असली जो चढ़ाई कह सकते हैं ये यहाँ से शुरू होती है। इसके बाद जो ट्रैक है सारा वो ऊंचाई पे बना हुआ है, इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा थकान होगी, पर फिर भी हम करेंगे। अंधेरा हो चुका है और आप देख पा रहे हो ना बर्फ की चादर मंदिर के पीछे कहते हैं, अच्छी लग रही है। अच्छी खासी बर्फ़ है ऊपर वाले पहाड़ों पर भी, इधर भी बर्फ आपको शायद नहीं दिख पा रही होगी। 9 बज चुके हैं और सामने आपको दिखेंगे बड़ी रिचोली, वहाँ पर जाके कैंपिंग करने का प्लान है अभी। ये बड़ी रिचोली से पहले ग्लेशियर आपको दिख रहा होगा, ये बर्फ़ है सारी और ये ऊपर तक पूरा वाइट है। अंधेरे की वजह से शायद आपको ना दिख पा रहा हो, पर ये सारा ग्लेशियर है जो हटा चुके हैं। रास्ता तो साफ है पर साइडों में जमा हुआ है। तो अभी मैं बड़ी लिचोली पहुंच चुका हूं और यही डिसाइड किया है कि यहीं पे मैं टेंट ले रहा हूं। और जो टेंट का प्राइस है 400 रुपये पर पर्सन है, 500 बोल रहे थे, 400 रुपये उन्होंने कर दिया। और टेंट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ऊपर कल जो मुख्यमंत्री जी वहाँ पर आ रहे हैं तो वहाँ पर होटल की जो बुकिंग है ऑलरेडी सारी फुल है, और टेंट वेंट भी मतलब मैक्सिमम फुल हो रखे हैं, तो बस यहीं पर टेंट लिया जा रहा है। तो अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं बड़ी लिचोली से ही। तो कल का व्लॉग होगा जो बड़ी लिचोली के बाद या फिर मंदिर पहुंचने का, आपको सारा दिखाया जाएगा। तो जय केदारनाथ, गुड नाइट। तो अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं बड़ी लिचोली से ही। तो कल का व्लॉग होगा जो बड़ी लिचोली के बाद या फिर मंदिर पहुँचने का, आपको सारा दिखाया जाएगा। तो जय केदारनाथ, गुड नाइट।